पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट का जो मोलर मास है वो 122.5 ग्राम होता है। तो अगर 122.5 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट हो तो एक मोल, लेकिन अगर कहा जाए ना कि 100 ग्राम है, 100 ग्राम, तो मोल एक से कम हो जाएगा। लाइक 100 ग्राम के साथ इसके मोल बनते हैं 0.86 मोल फॉर एग्जांपल। अब अगर कहा जाए ना कि इसमें पोटाशियम आयंस कितने होंगे, पोटाशियम आयंस कितने होंगे, तो वो भी एक मोल ही है। मतलब 100 ग्राम के अंदर पोटाशियम आयन कितने होंगे, वो भी 0.86। और क्लोरो के एटम कितने होंगे, वो भी एक है, तो वो भी 0.86। और क्लोरेट के आयन कितने होंगे, तो क्लोरेट का आयन भी एक ही है, वो भी 0.86। लेकिन अगर कहा जाए इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो ऑक्सीजन एटम 3 है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.86 के साथ। इसी तरह अगर फार्मूला यूनिट ढूंढा जाए, तो फार्मूला यूनिट भी अगर ऑक्सीजन का ढूंढोगे, तो वो जो 100 ग्राम के अंदर एक मोल का आ रहा है ना पोटाशियम क्लोरेट का, वो ऑक्सीजन के लिए 3 टाइम हो जाएगा। हमें कहा गया है कि नंबर ऑफ पोटाशियम आइंस, क्लोरेट आइंस, क्लोरीन एटम एंड ऑक्सीजन एटम ढूंढिए 100 ग्राम ऑफ KClO3 में। तो पहले तो 100 ग्राम ऑफ KClO3 में कितने मोल बनते हैं ये पता होना चाहिए। तो मोल का फार्मूला हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास है 100 ग्राम और KClO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, पोटाशियम 39, क्लोरो 35.5 और ऑक्सीजन 48, इट इज गोइंग टू बी 122.5 ग्राम। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो इट इज 0.816 मोल। तो 1 मोल ऑफ KClO3 के अंदर एवोगैड्रो नंबर कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻³। और 100 ग्राम के अंदर मोल बनते हैं 0.816, तो इसके अंदर कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बने 4.19 × 10³ आइंस ऑफ KClO3। क्योंकि आप जब KClO3 को तोड़ते हो तो इससे एक पोटाशियम बनता है और एक क्लोरेट बनता है, मतलब इसके आइंस भी एक, इसके आयन भी एक, और KClO3 के अंदर मोल कितने, वो भी एक। तो अगर आपको कहा जाए कि क्लोरेट के आयन ढूंढिए, उसके नंबर ऑफ आयन्स ढूंढिए, तो फिर दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, और मोल है उसके 0.816, तो उसको भी आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 4.19 × 10³। और 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, तो क्लोरीन एटम KClO3 के अंदर कितने हैं, वो भी एक ही है, तो उसके लिए भी आप मोल 0.816 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर 1 मोल ऑफ KClO3 के अंदर ऑक्सीजन देखे जाए तो वो तो 3 है, तो 3 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और यूनिटी मेथड में अगर आप 0.816 में ढूंढ रहे हो तो इस वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दीजिए और 0.816 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज 1.474 × 10⁴ एटम्स।